मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ मुकद्दस सफ़र का करें आगाज। लो बजट और बेहतरीन सहूलतें, 5 नवंबर से काफिलों की रवानगी, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 4 नवंबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। इसराइल से इंतकाम का ऐलान करने वाले हिजबुल्लाह सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह ने फ़लस्तीन की हिमायत का किया इजहार, कहा मकड़ी की जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है नेतन्याहू की फ़ौज, ना तो अक़्वामे मुत्तहिदा और ना ही OIC को फ़लस्तीनी अवाम की फ़िक्र, गज़ा के शहदा को पेश किया सलाम, इसराइल के ख़िलाफ़ जंग करने वालों को दी मुबारकबाद। अपने पैगाम में हिजबुल्लाह सरबरा ने मज़ीद कहा, दुनिया ने इसराइली मजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आँखें बंद कर ली। इसराइल का एक और जंगी जुर्म, जुमा को इसराइल ने गज़ा शहर में अलशिफा हॉस्पिटल और एक एम्बुलेंस के काफिले पर कर दिया हमला, बड़ी तादाद में शहादतों के साथ कई अफराद जख्मी। एम्बुलेंस पर हमले का इसराइल ने कर लिया इतराफ़, बग़ैर सबूत फराहम किए कहा इस हमले में हमास के जंगजू बने थे निशाना। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के बीच गज़ा में इंसानी सूरत हाल इबतर। अक़्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा के औसतन बाशिंदे हर दिन रोटी के सिर्फ 2 टुकड़ों पर जिंदा है। UN ने कहा अब गज़ा में पानी की खिल्लत गज़ा के इंसानी सूरत हाल को करार दिया इलमनाक। इसराइल की तरफ से गज़ा में हमलों का सिलसिला जारी, ऐसे में तुनिस की पार्लियामेंट में एक ऐसे बिल पर बहस जारी है जिसके तहत इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात का ख़याम अब काबिले सज़ा जुर्म होगा। बिल में कहा गया कसूरवार पाए जाने पर उस पर 10 साल कैद या 30,000 यूरोस का होगा जुर्माना। नेपाली दारुलकूमत काठमांडू और अतराफ के इलाकों में जुमा की देर रात आया 6.4 शिद्दत का शदीद जलजला। जलजले के शदीद झटकों के सबब अब तक 130 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी। जलजले से कई मकानात भी तबाह, भारत और चीन में भी महसूस किए गए झटके, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ की टेलीफोन पर बातचीत, सुनक के 1 साला ओहदे पर दी मुबारकबाद। साथ ही दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ियात पर किया तबादले ख्याल, बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल और शहरियों की हलाकत पर तशवीश का किया इजहार। सानिया मिर्ज़ा के बाद अब हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर इरफान पठान ने भी गज़ा में मासूम शहादतों पर उठाई आवाज़। अपने ट्विटर के जरिए दुनिया को दिया पैगाम, कहा गज़ा में हर रोज़ मासूम बच्चे मर रहे और दुनिया खामोश बैठी है, आलमी रहनुमा ज़रूरी इस बेहुदा कत्लेआम को ख़त्म करने इकट्ठा हो। इंतखाबी रियासत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का जलसेआम से खिताब, मोदी हुकूमत पर की जमकर तनकीद, कहा मोदी ने अपना कोई भी वादा वफा नहीं किया, मोदी झूठों के सरदार, उन्होंने झूठ बोलने की फैक्ट्री खोल रखी है, BJP पर छत्तीसगढ़ में माहौल ख़राब करने का लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए कांग्रेस के दरमियान झगड़े, असदुद्दीन ओवैसी का बयान, साथ ही इख्तदार में आने पर BC तबके को CM बनाने के BJP के ऐलान को करार दिया मजाक, कहा जब BC कायद बंडी संजय को क़यादत से हटा दिया गया फिर ऐसी पार्टी के बयान पर किस तरह किया जा सकता है यकीन। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का YS शर्मिला का ऐलान, इसी दरमियान शर्मिला को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रिमार्क, कहा कौन शर्मिला, मैं किसी शर्मिला को नहीं जानता, मजीद कहा शर्मिला सिर्फ राजशेखर रेड्डी की बेटी है, वो अवामी कायद है या नहीं इसका अवाम को करना है फैसला। ये थी टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ मुकद्दस सफ़र का करें आगाज। लो बजट और बेहतरीन सहूलतें, अब कम कीमत पर अदा करें उमरा। 5 नवंबर से काफिलों की रवानगी, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। हैदराबाद से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई, मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत व मुकद्दस मकामात की ज़ियारत। मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के करीबी स्टार्स होटलों में क़याम, 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। अभी बुक करें और पाए स्पेशल डिस्काउंट। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स, काकाजी टावर्स, तैबा मार्केट, नियर ओल्ड चार मीनार बस डिपो, हैदराबाद।
किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब करें 9390610436 पर।